अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश में कांग्रेस का जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति स्थल है वो है अमेठी और रायबरेली, लेकिन इन दोनों सीटों पर कांग्रेस अभी तक गठबंधन में होने के बावजूद प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। आखिर अमेठी का असमंजस, रायबरेली की परेशानी कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी है, और क्या कारण है कि गांधी परिवार अपने सबसे ताकतवर इलाके में भी उतरने में असमंजस की स्थिति और परहेज करता दिख रहा है, वो भी तब जब परसों यानी 3 तारीख को अपराह्न 3 बजे नामांकन की अंतिम तिथि है। क्या अमेठी और रायबरेली में राहुल और प्रियंका नहीं लड़ना चाहते हैं, कारण क्या है? आज चर्चा हम इसी विषय पर करने वाले हैं। भाइयों, इस देश में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सबसे करारी टक्कर देने का दावा करने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर भयंकर असमंजस है। जब पूरे देश में विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने वाले अपने ही क्षेत्र की सीट पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उनके कार्यकर्ता धरना दे देकर थक गए हैं, परेशान हैं, और कांग्रेस के लोग या तो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं और या फिर घर बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के इन दो टॉप लीडर्स ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। अमेठी से राहुल गांधी आएंगे या नहीं आएंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। 2019 में जब से स्मृति ईरानी ने उन्हें अमेठी में हराया, राहुल गांधी का अमेठी से मोह भंग हो गया। अमेठी को मुड़कर नहीं देखा उन्होंने, 2-3 बार आए हो तो आए हो, अदरवाइज अमेठी को उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। उन्हें बहुत गहरा आघात शायद लगा कि वो हार भी सकते हैं, वो भी अमेठी से। इस बात से दुखी होकर वो चले गए वायनाड, और फिर अमेठी की तरफ उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी, 1 या 2 बार आने के अलावा। कांग्रेस का जो संगठन, जो स्ट्रक्चर, कांग्रेस को सपोर्ट करने का जो अमेठी में इकोसिस्टम था, वो सब तहस नहस हुआ। स्मृति ईरानी ने इस इलाके में बड़ी मेहनत भी की, डटी रही, 14 की हार के बावजूद 19 में फिर मुकाबले के लिए खड़ी रही। उनके अंदर लड़ने की जिजीविषा है, अपनी धुरी पर टिके रहने की उनकी राजनीतिक क्षमता है, और संयम और सब्र है कि उन्होंने अमेठी राहुल गांधी से छीन लिया और हालात ऐसे कर दिए कि अब वो आएंगे लड़ने या नहीं अभी तय नहीं है। यहीं पर स्मृति ईरानी को अमेठी के लिए एज मिलता है, बढ़त मिलती है, तब जब कांग्रेस तैयार नहीं है वहां से अपने सेनापति को लड़ाने के लिए, वहां जहां वो सर्वाधिक ताकतवर खुद को बताते थे। अब चलिए बगल की सीट रायबरेली। सोनिया गांधी यहां से जब चुनाव लड़ी, गांधी फैमिली से कोई भी चुनाव लड़ा, रायबरेली ने कभी उन्हें निराश नहीं किया। पूरे देश भर में किसकी भी लहर चल रही हो, रायबरेली में कांग्रेस की लहर चलती है। पूरे देश में कैसा भी राजनीतिक वातावरण हो, रायबरेली गांधी फैमिली को वोट करता है। रायबरेली की मतदाताओं का मेजॉरिटी, बहुसंख्यक हिस्सा गांधी फैमिली को वोट देने में ही जाता है। गांधी फैमिली को वोट देना रायबरेली के लिए उनका राजनीतिक धर्म है, और वो देते हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। अब जब सक्रिय राजनीति से संसदीय राजनीति में लोकसभा के चुनाव के लड़ने से सोनिया गांधी ने खुद को अपनी व्यक्तिगत बीमारियों की वजह से अलग कर लिया, तब उनकी सीट पर गांधी फैमिली से कोई भी लड़ने के लिए अभी तक आता नहीं दिख रहा है। यह हैरानी वाली बात है। क्या कोई अपने किले, अपना क्षेत्र, अपना घर मकान और अपने राजनीतिक ताकत को यूं ही चले जाने देता है? कोई कारण है? अब कहने वाले कुछ लोग इसे रणनीति भी कहते हैं, लेकिन बहनों भाइयों, ये कोई रणनीति नहीं। आप इतिहास में उठाकर देख लें, मध्यकाल से लेकर अब तक का, जीत तब मानी जाती थी जब किले पर कब्जा होता था। खेतों पर कब्जा करने से कोई राजा नहीं बनता, किले पर कब्जा करने से लोग राजा बनते। क्या गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली के अपने किले को बचा पाएगा? वो लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते, इस पे उनके समर्थक और चाहने वालों को भी दो वर्ग है। जो चाहते हैं कि गांधी फैमिली लड़े, ये गांधी फैमिली यहां लड़ने आए, माहौल बदलेगा,
वो बहुत ही शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे और लड़ेंगे, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जो कह रहा है नहीं आएंगे, दूसरों को लड़ाएंगे। क्या इस बात में सच्चाई है? बहनों भाइयों, एक और सीट है जहां के मतदाताओं के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। मैं क्यों कहूंगा ज्यादती हो रही, उसका मैं आपको रीजन भी दूंगा। कैसरगंज, आखिर क्या गलती की है कैसरगंज के मतदाताओं ने कि भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी वहां से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टिकट घोषित नहीं हो रहा है। अपोजिशन में समाजवादी पार्टी के पास वो सीट है, टिकट घोषित नहीं हो रहा है। आखिर कैसरगंज के मतदाताओं का कसूर क्या है? वहां से ये दोनों दलों ने प्रत्याशी नहीं दिए अभी तक, कारण क्या है इसके पीछे? क्या है कैसरगंज में जो कोई वहां प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहा है? और मैं तो कहता हूं कैसरगंज के लोगों को पूछना चाहिए जब इनमें से कोई टिकट पाने के बाद उनके बीच आए कि जिन पार्टियों ने आपको टिकट के लायक अंतिम दिन तक नहीं समझा, उन पार्टियों को हम वोट क्यों दें? जनता को इनकी जवाबदेही बहनों भाइयों सुनिश्चित करनी चाहिए कि क्योंकि इन्होंने अंतिम घंटे तक कैसरगंज के लोगों को असमंजस में रखा हुआ है। कैसरगंज किसको वोट करेगा किसको नहीं करेगा यह अलग विषय है, पर कैसरगंज को कोई प्रत्याशी नहीं दिया जा रहा है यह बड़ी गंभीर बात है। और दोनों नहीं दे रहे हैं, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष। ये कैसरगंज के लोगों के लिए संदेश है मेरा कि वो सवाल पूछे इन लोगों से, प्रत्याशी क्यों नहीं दे रहे हो? और फिर आओगे और 10 दिन में कहोगे हमें जिता दें। इन दोनों से ये सवाल होना चाहिए कि वहां से प्रत्याशी क्यों नहीं दिया जा रहा है। बहनों भाइयों, आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की चर्चा बड़ी दिलचस्प है, हम इस पर खुलकर बात करेंगे। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। देखिए, ये निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, ये निर्णय है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सीसी के हाथ में। इस मामले में जो प्रेरोगेटिव है वो गांधी परिवार और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी वो तय करेगी। वायनाड में लड़ रहे थे तो वायनाड में कह दिए वायनाड ही हमारा परिवार। हम गए दादा, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे थे। अब कहेंगे एक परिवार वायनाड में है, एक परिवार अमेठी में है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, देवकी नंदन मिश्रा जाने माने पत्रकार, और वीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेटेड, और थोड़ी देर में डॉक्टर एम एच खान भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन करेंगे।